हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, और बाकी फील्ड अच्छी है अगर आप मेहनत करते हैं तो। आज आईपीएस फैमिली के बहुत सारे सदस्य देख रहे हैं उनका भी, बिल्कुल आईपीएस फैमिली का तो बहुत सारा स्वागत है यहाँ पे, और आईपीएस फैमिली के अलावा और भी जितने लोग मुझसे यहाँ पे कनेक्टेड हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि यू हैव यूज न्यूमेरस टाइम्स द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल सर, हु आर द बेस्ट स्पीकर्स ऑफ प्रिंसिपल सर बिसाइड्स यू एंड योर स्कूल। एक्चुअली मुझे यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं, क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या कि प्रिंसिपल सर के अलावा और कौन से बेस्ट स्पीकर्स हैं आपके स्कूल में? तो मैं सिंपली यही बोलूँगी कि मुझे प्रिंसिपल सर को ही मैं बहुत नोटिस करती थी कि वो स्टेज पे कैसे चल रहे हैं, कैसे खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं। ऐसा होता है ना, एक आइडियल होता है आपका और आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान से नोटिस करते हो, उनकी हर एक चीज़ को आप खुद में डेवलप करना चाहते हो। वही कोशिश मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन गुरु हमेशा गुरु होता है, तो आप कभी वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ एक कोशिश जरूर कर सकते हैं आप उनके जैसा बनने की। उसके बाद मैं आपको बोल रही थी यूनिक और क्रिएटिव, तो मास कम्युनिकेशन का जो एक बहुत मेन चीज़ है वो है यूनिक और क्रिएटिव। आप पढ़ाई में कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने नहीं हैं, क्या है क्या नहीं है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिएटिव रहो, इनोवेशन आप में आना चाहिए, प्रॉब्लम्स है कि आपको लगना चाहिए, स्पॉन्टेनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप स्टेज पर एंकरिंग करते हो तो आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होती है, आप इतने ट्रेंड हो चुके होते हो। क्योंकि स्क्रिप्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किस मोमेंट पे क्या हो जाएगा, आपको अचानक से ही सब कुछ बोलना होता है। तो ये चीज़ आप में आनी चाहिए कि अगर किसी ने आपसे कुछ बोला है तो आपको उसको फनी वे में, बहुत लाइट से वे में गुस्सा नहीं करना है, पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर कैसे उनको आंसर करना है। तो यूनिक और क्रिएटिव, क्योंकि जब तक आप यूनिक एंड क्रिएटिव हो आप इस फील्ड में आगे रहोगे। जहां आपकी यूनिक और क्रिएटिविटी कम हुई, जहां आप ऑर्डिनरी हुए, वहां पे आप लैग कर सकते हो। तो अगर इस चीज से बचना हो तो फिर आपको क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देश विदेश में क्या चल रहा है, और एक खुद का एक ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसके पीछे चलने लगे, फिर किसी ने कुछ बोला है तो हम उसके पीछे चलने लगे। तो अपडेटेड होना, खुद का एक ओपिनियन होना, खुद की एक इमेज लोगों के सामने रखना, ये सब आपका काम है और आपको आना चाहिए, ताकि लोगों को लगना चाहिए छोटी सी उम्र में तुमने बड़ी ऊंचाई को छुआ है। जब लोग अक्सर फ्रेंडशिप में व्यस्त रहते हैं उस उम्र में तुमने एंकरिंग, ये चीज़ मैं जितने भी यहाँ पर मेरे हम उम्र हैं हम सभी एक साथ हैं, तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी कि ये ना लाइफ बहुत छोटी सी है, बहुत ही छोटी है, लेकिन जब हम कुछ काम करने में व्यस्त हो जाते हैं तो फिर हमको अपना पूरा डेडिकेशन ना एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए उसमें ही देना चाहिए, और इधर उधर ध्यान भटकाने का, क्योंकि आपको ना रियलाइज होती हैं ये चीज़ें, आपको कब पछतावा होता है 25 के बाद, जब आप एकदम प्रेशर आता है ना, फैमिली वाले भी प्रेशर देते हैं कि यार कुछ करता नहीं, कुछ कर कुछ कर कुछ कर, तो आपको फिर फील होता है कि यार उस टाइम अगर कर लेता तो ऐसा नहीं होता। एज है, हर चीज़ करो, हर चीज़ करनी चाहिए, सब करते हैं, जो करना है करो, लेकिन पढ़ाई का एक टाइम और खुद का डेडिकेशन एक फिक्स होना चाहिए कि यार नहीं, जब मुझे पढ़ना है तो फिर मुझे पढ़ना है, और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं कर सकती फिर, तो आगे बढ़ना है और भीड़ में से छटना है, या भीड़ के मतलब भीड़ बोलते हैं ना कि कभी भीड़ का हिस्सा मत बनो, वो बनो जिसके लिए भीड़ इकट्ठी होती है। तो ये डिसाइड अब आपको करना है कि भीड़ का हिस्सा बनना है कि जिसके लिए भीड़ इकट्ठी हुई है वो बनना है। खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया, करियर बनाया, खुद का स्टार्टअप, आपको क्या लगता है? मास कम्युनिकेशन में आना बिल्कुल आसान नहीं था।